हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जौहरअली में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम इस ट्रैवलिंग बैग को किस तरह से कटिंग करेंगे और इसमें कौन कौन सी चीज़ कितने साइज़ की लगेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आया होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमारा कौन सा चीज़ कितने साइज का लग रहा है, उसके बाद आखिर में हम इसका जो डिज़ाइन है इसका कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बैक वाला पल्ला है इसका साइज होगा 14.5x21 इंच, ये हमारा बैक पल्ला है। उसके बाद ये हमारा मेन साइड है, इसका साइज होगा लंबाई 35.5 इंच और चौड़ाई 7 इंच। इसी तरह से हम चेंबर का साइड भी ले लेंगे, इसका साइज होगा 2.5 इंच चौड़ा और 35.5 इंच लंबा। उसके बाद ये हमारा मेन वाला चैन पट्टी है, इसका साइज़ है लंबाई 29.5 इंच और चौड़ाई 5 इंच। और ये हमारा चैम्बर का चैन पट्टी है, इसका साइज़ होगा, ये जो हमारा मेन वाला चैन, ये जो हमारा मेन वाला चैन पट्टी है इससे 1.5 इंच कम होगा, मतलब ये 29.5 है तो ये हमारा 28 इंच होगा। और चौड़ाई जो है ये 2.25 इंच, 2 इंच 2 सूता। ये जब हमारा कटिंग होकर ये हमारा हैंडल लगेगा, उसके बाद ये हमारा जो मेन वाला चैन पट्टी की साइज़ है वो चेंबर वाले चैन पट्टी की साइज़ का हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा 1.5 इंच बड़ा होता है। उसके बाद ये हमारा हैंडल है, इसका साइज है 9x2 इंच, ये हमारा ये वाला है, ये वाला हैंडल। उसके बाद इसके नीचे जो हमारा ये लगा हुआ है ये नेट है, ये हम ले लेंगे, इसका साइज होगा 10x2.5 इंच। और ये हमारा बोटल पॉकेट है, इसका साइज होगा 7.5x10 इंच, ये हमारा ये वाला है बोतल पॉकेट। उसके बाद ये हमारा पीछे का पट्टा है, इसका साइज होगा चौड़ाई 5 इंच और लंबाई 20 इंच। उसी तरह से पट्टा में जो हमारा नेवार लगा हुआ है इसका साइज है 25 इंच, ये हमारा 2 पीस लगेगा। और इस तरफ बोतल के पास जो ये नेवार लगा हुआ है इसका साइज है 14 इंच, और बक्कल में जो लगा हुआ है नेवार ये 4 इंच का है, ये हमारा दोनों तरफ होगा। और इस जगह पर जो हमारा लगा हुआ है इसका साइज होगा 9 इंच, और इस जगह पे ये जो हमारा नेवार लगा हुआ है डिज़ाइन के लिए इसका साइज़ होगा 6 इंच, ये हमारा 2 पीस लगेगा। और इस जगह पे जो हमारा ये नेवार लगा हुआ है ये 1 इंच चौड़ाई वाला 2 पीस नेवार लगा हुआ है, इसका जो साइज़ है यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही हम ये नेवार लगाएंगे। तो ये हमारा बैग का जो भी साइज़ है वो पूरा कम्प्लीट हो चुका है। अब चलिए हम देखते हैं कि हम इसके डिज़ाइन को कटिंग किस तरह से करेंगे और इसका जो पॉकेट का साइज़ है वो क्या होगा। ये हमारा पॉकेट है, ये इस जगह का है और ये इस जगह का है। तो इसका जो साइज़ होगा इस तरह से, जो ये हमारा है ये 14.5 इंच होगा और खड़ाई 14 इंच होगा। तो जो नीचे वाला है इसका साइज़ होगा इस तरह से 13.5 इंच, तरह से 7 इंच। उसके बाद ये वाला हम लेंगे, इसका साइज़ होगा 8x4। और उसके बाद हम ये वाला लेंगे, ये जो हमारा है कान, ये वाला है हमारा, इसका साइज़ होगा 5x4, ये हमारा 1 पीस माल में 4 पीस लगेगा, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, एक तरफ 2 पीस, एक तरफ 2 पीस। तो ये हमारा 1 पीस माल में 4 पीस इस तरह का 5x4 का टुकड़ा लगेगा। उसके बाद हम ये वाला लेंगे, ये वाला जो हमारा है कोना, ये हमारा ये है वाला, हम इस तरह के स्क्वायर काट लेंगे 4.5x4.5, और उसके बाद इस तरह से हम इसे बराबर मिलाएंगे और 20 से हम इसे काट लेंगे, इस तरह से रखकर हम 20 से काट लेंगे। एक पीस इस साइड का हो जाएगा और एक पीस इस साइड का हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम देखते हैं कि हम इसके डिज़ाइन को कटिंग किस तरह से करेंगे। इसे कटिंग करने से पहले सबसे पहले हम इसका सेंटर कर लेंगे, इस तरह से बराबर मिलाकर हम एक बीच का निशान लगा लेंगे। उसके बाद ऊपर से करीब 7-8 इंच नीचे से ही हम इसे राउंड करना शुरू करेंगे, इस तरह से। और इस तरफ करीब हम यहाँ से इस तरफ हम करीब 5 इंच तक जाएंगे। ये हमारा एक साइड का राउंड हो चुका है। उसके बाद हम इसे इस तरह से करके दूसरा तरफ भी राउंड कर लेंगे। इसे राउंड करने के बाद अब हम इसका जो ये वाला हिस्सा है हम इसे निकालेंगे। इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर हम नापी करेंगे 3 इंच 2 सूता।
3 इंच 2 सूता नापी करके हम इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इस तरफ भी निशान लगाएंगे उतना ही 3 इंच 2 सूता। इस तरह से निशान लगाने के बाद ये जो हमारा 3 इंच 2 सूता वाला यहाँ का जो पॉइंट है यहाँ से, और फिर इस तरफ का जो हमारा 3 इंच 2 सूता का पॉइंट है इस जगह तक, हम यहाँ से काटते हुए थोड़ा सा सीधा आएंगे। उसके बाद यहाँ से हम हल्का हल्का घुमाना शुरू कर देंगे इस तरफ, और हल्का घुमाते घुमाते हम इस जगह पे ये वाला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे। ये मैं सीधा काटा, उसके बाद हम अभी इधर घुमाएंगे, इधर हल्का घुमाते घुमाते, उसके बाद ये हमारा लास्ट पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा कट चुका, उसके बाद इसे हम इस तरफ रख के दूसरा तरफ भी हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारा दोनों साइड का कट चुका है। अब हम जो हमारा ये ऊपर का है हम इसे निकालेंगे। इसे निकालने से पहले इस जगह पे जो हमारा ये प्रिंट किया हुआ है इसका साइज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो साइज़ है इस तरह से 2.5 इंच, दोनों तरफ से ही ढाई इंच ही है। ये 2.5 इंच बाई 2.5 इंच का प्रिंट है। अब हम ये वाला निकालते हैं। ये हमारा 2 इंच का निशान हो गया और ये हमारा 3.25 इंच का निशान हो गया। ये जो हमारा 2 इंच का निशान है इस जगह से हम राउंड करते हुए काटेंगे और इस जगह पे आके यहाँ से फिर हम सीधा काटते हुए ये जो हमारा 3.25 इंच का निशान है इस निशान के पास जो हमारा सेंटर के निशान है सेंटर के निशान पर आके हम रुक जाएंगे। इस तरह से हम काटेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा सीधा काटेंगे। ये हमारा सेंटर का निशान ये हो गया। उसके बाद हम इसे इस तरह से कर लेंगे और इसी के हिसाब से हम दूसरा तरफ भी काट लेंगे। ये डिजाइन पूरा कटिंग हो चुका है। अब हम ये जो हमारा बैक वाला पल्ला है हम इसे राउंड कर लेंगे। इसे राउंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। बंटर का एक निशान मिला लेंगे और करीब ऊपर से 5 इंच नीचे से ही हम इसे राउंड करना शुरू करेंगे। और इस तरफ भी करीब हम 5 इंच तक अंदर जाएंगे। इसी तरह से दूसरा तरफ भी हम कर लेंगे और ये जो हमारा चांद है इसे भी हम इस तरह से राउंड कर लेंगे। अगर आप इस तरह का राउंड नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर का बर्तन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं राउंड करने के लिए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, और ये जो हमारा पॉकेट का साइड है और पॉकेट का जो गला है ये किस तरह का होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को पॉकेट का साइड और पॉकेट का गला दोनों दिखा देता हूँ। ये हमारा पॉकेट का साइड है, इसे हम किस तरह से कटिंग करेंगे वो मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि इसे काटने के लिए टेम्पलेट का ज़रूरत पड़ता है। ये हमारा इस तरह का है। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्प्ले पे आ रहा है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप करके मुझसे ये ले सकते हो। और ये जो है ये गला है, ये बिना टेम्पलेट का नहीं कटिंग हो सकता है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको ये कोरियर के ज़रिए भेज दूँगा। इसका जो भी चार्ज होगा मैं आपको व्हाट्सअप में ही बता दूँगा। तो ये वीडियो पूरा कम्प्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।